अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं हूं आप लोग का होस्ट मोहम्मद यूसुफ और मेरे साथी मुनीर बलोच। दोस्तों सबसे पहले आप हमारा वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और जो आज का पैगाम है वो क्या था और वो क्या राज है, और इन लोगों के ऊपर आज हम रिएक्शन ले रहे हैं। और रिएक्शन लेने का मकसद ये है कि रिएक्शन इसलिए हम ले रहे हैं ताकि लोग को पता चले कि इन लोग का शो इतना सपोर्ट कर रहे लोग। तो तीन शो है, बल्कि तीन राज एमएम टीवी तीन शोज का आज हम रिएक्शन ले रहे हैं। और नंबर वन जो जैन बलोच का शो था, इस बार का जो एपिसोड था काफी अच्छा एपिसोड था, काफी हमें पसंद आया और काफी ऐसा लोकेशन था, डेंजर लोकेशन, और खतरनाक। इसमें ऐसे अटैक हुए लोगों पर जो शायद आप लोग ट्रेलर देखा होगा, काफी खतरनाक था। और इस तरह के अटैक हुए अली भाई के ऊपर, जैन बलोच खुद के ऊपर काफी खतरनाक अटैक हुए और काफी मुझे पसंद आया। और मैं उम्मीद करता हूँ तो आप लोग भी शायद पसंद आ चुका होगा। और इन लोगों का फुल एपिसोड उसने भेजा, तो फुल एपिसोड में देख कर काफ़ी एपिसोड अच्छा लगा। मैंने कहा कि इतना मेहनत इस एपिसोड पे हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है। और जैसा कि जो आग लगता है तो अली भाई का काफ़ी तबीयत ख़राब होता है, तो निशा करता है जैन बलोच यहाँ पे, एक दायरा में उसको पिटाता है। और उस दायरे के बाद जैन बलोच खुद जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो जाता है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमरों का, अली भाई का एक स्पीड से वो चीख आवाज़ आता है और स्पीड से चीखता है। और उसके बाद जैन बलोच जाता है वहाँ पे, ओ अली भाई के जो एक दायरा था वहाँ से आग लगा है। और मैं ट्रेलर देखकर मुझे काफ़ी पसंद आया। और नंबर दो पे हम चले, वो क्या था माशाल्लाह। इस बार का जो वो क्या था का जो एपिसोड था काफ़ी अच्छा एपिसोड था, काफ़ी मुझे पसंद आया और शायद आप लोगों को भी पसंद आ चुका होगा। जैसा कि इस बार का जो एपिसोड था इसमें से चीज़ें हुआ एक्टिविटीज़ बहुत खतरनाक। और ये एक जंगल था, इन लोगों के जंगल का इन्वेस्टिगेशन किया था। और इसे जंगल पे से जो दरख्ते हिल रहे, इसके बहुत ऐसे एक्टिविटीज होते हैं वहाँ पे। और एक बार ये है कि वहाँ पे एक ऐसा, मुझे काफ़ी एक जंगल बहुत पसंद आया, ये जंगल, और जंगल बहुत पसंद है। और जंगल में जैसा कि कोयल की आवाज़ें और बहुत ऐसे जानवरों के परिंदों की हमारी आवाज़ें आते हैं वहाँ से, और काफ़ी अच्छा एपिसोड था, काफ़ी रियलिटी काम किया था ये लोग। और मतलब मैंने कहा तो पहले का शो है, मैं उसके ऊपर बात करूँ जो इन लोग ने एक बंदा एक क्या था आदमखोर देखा था, और एक आदमखोर नमा शक्ल वाले की चीज़ देखा था इसके कैमरे में, मैंने अरसलान, और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ था और काफ़ी वो डर गया और काफ़ी इनका तबीयत ख़राब हो गया। क्या चीज़ था वो जी मुन्नी भाई, इसके ऊपर आप थोड़ा सा बात करें, आपको शायद इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा। जी पहले तो अरसलान विजिट करता है जी, विजिट करते करते एक बहुत बड़ा झाड़ी है, तो वहाँ पर कैमरा जूम कर देता है, तो वहाँ पर एक चीज अचानक इस तरफ हो जाता है, वो पता नहीं जिन था मेरे ख्याल से जी। और ऐसा चीज हो ही नहीं सकता जिसका इतना बड़ा मुंह था और बहुत लंबे बाल थे जी। और वो साइड वो गए, तो गए असलाम भाई वहाँ पर बेहोश हो गए, तो चीख लगाया तो सब हंसते उस आवाज पर चीख पर, तो ये हंसने की बिल्कुल बात है ही नहीं जी के जिन आपके सामने आए आपकी भी ऐसी ही आवाज निकलती है जी। उसके बाद मगर मलिक इस जगह का इन्वेस्टिगेशन करता है अकेला ही, और काफी अच्छा था वो जगह, वो सीन जो इन्वेस्टिगेशन था, वो वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आया और काफी अच्छा वीडियो था। बहुत ही खतरनाक। फिर दूसरा वन मैन ही करता है जी मलिक भाई, सुधीरम का इस तरह जी, दूसरी बार भी यही चीज दिखाई देता है। और एक वो क्या था का एक एपिसोड था, एक ऐसा एपिसोड मुझे काफी पसंद आया और मैंने पहले भी रिएक्शन लिया था,
अब मेरा याद मैंने एपिसोड नंबर कौन सा था तो वो एपिसोड नंबर भी मुझे नहीं देखा होगा कि नहीं। तो ये लोग इन लोग साथ एक और बंदा आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक ऐसा वहां से एक पत्थर फेंकता है तो उसके सर पे लगता है खून आता है। और ये बहुत खतरनाक लोकेशन था, जैसा कि वो लोग जाता है ये इसका जो दरवाजा है वो खुलता है नहीं, जो शाह साहब ने पानी दिया था लोगों को पानी फेंक के फिर लोग दरवाजा खुलता है और काफी बहुत ही खतरनाक है इधर उधर अजी। फिर वो लोग जाता है कमरे के अंदर और कमरे बंद में ताला है इस तरह के जी, और कमरे को इधर उधर इस तरह करता करता है और फिर कमरे से खून आता है, कमरे के अंदर आग लगता है, इस तरह की चीजें होता है कमरे के अंदर। बहुत खतरनाक था वो सीन और काफी मुझे पसंद आया और उम्मीद करता हूँ हम लोग भी वो सीन पसंद आ चुका होगा। और अमित भाई एक एपिसोड था जैन बलोच वालों का, हाँ वो यार छत वाला जी यही भाई प्रोजेक्ट जी वो भी बहुत ही खतरनाक, जैसा कि अली भाई के निरीक्षण करे कमरे का अचानक छत से गिरता है, बहुत खतरनाक बहुत ही डेंजर। अली भाई बहुत उसका तबीयत बहुत ही खराब हुआ जी, काफी वो लोग भी मेहनत करता है और काफी वांटेड लोकेशन पे जाता है और माशाल्लाह क्योंकि इन लोग शो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं उम्मीद ये भी रखता हूँ तो लोग देखे लोग शो हमारे जो रिएक्शन लोग देखे ना इतने लोगों को सपोर्ट मिल रहा है तो वो लोग भी ये एपिसोड देखे और लोग का चैनल सब्सक्राइब करें और उसको हर वीडियो लाइक करें और जैसा कि वो लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो आप लोगों का इन लोगों के साथ। और आप भी गलत गलत कमेंट करते हैं ये फेक है, पता नहीं आपने इस तरह किया है इस तरह किया है, ये फेक है ही नहीं, ये इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत कर रहा है, जिम को छोड़ो एक ऐसा जगह जो 100 साल से बंद है ऐसे जगह पर जाओ वहां पर तो जिम तो लाजमी होगा जी। तो फिर भी आप कहते हैं फेक हो, वो अपने जान को खतरे में डाल रहा है किसके लिए, आप लोगों के लिए, आप लोग उन्हें गलत गलत कमेंट करते हो और उनकी वीडियो को डिसलाइक करते हो तो ये ना करें प्लीज, और ताकि उनका दिल खराब ना हो जाए आइंदा वो वीडियो ना बनाए, आप उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट करें और लाइक करें ताकि उनका दिल खुश हो जाए और भी आपके लिए मेहनत करें। ये मेरे भाई का बात बिल्कुल सही है यार, इन लोगों जैसा कि मेहनत करते हैं तो आप लोग साथ देता रहो, वो इतना मेहनत करता रहेगा। और मैं वही सीन इंशाल्लाह इसी एपिसोड में देखो डालूंगा अगर मिला मुझे जो मैंने कहा कि एक को लगता है पत्थर देखा तो मैं इंशाल्लाह डालूंगा, आप लोग भी देखो उसको। और एपिसोड नंबर पता नहीं मैं आप लोग बताता आप लोग उसको शायद देखा है जो वो क्या था का फैन है वो लोग देखा है, और वो क्या रास का फैन है जो मैंने कहा कि छत वाला शायद उसको भी